अब जो अगला स्टेज हमारी स्पिरिचुअलिटी की, व्हाई वी नीड स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म की क्या जरूरत है, क्यों हमको इसमें समय लगाना चाहिए, इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, इसके लिए मैं अपने सब वक्ताओं से निवेदन करूंगा कि हम, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले कहा था, जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, मैं थोड़ा सा इनको बता दूं, ये भाई साहब अभी जो कह रहे थे कि पार ब्रह्म परमेश्वर, ब्रह्म तो ब्रह्म इज निर्गुण। जब ब्रह्म में खुल आ जाते हैं तो ईश्वर कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हवा चलती है, हम वो हवा, उसको हवा बोलते हैं कि ये हवा चल रही, ठंडी हवा क्यों प्लीज, हवा बहुत तेज चलने लगी तो वो तूफान हो जाता। तो जब उसमें ये गुण आ जाते हैं ईश्वर के अंदर, ईश्वर में एक इनहेरेंट पावर होती है, जब वो चाहे अपने अंदर उन गुणों को एग्जिबिट कर सकता है, गुणों को वो अपने अंदर का वो गुण, क्रिएशन का गुण ले आता है ब्रह्म, तो हम उसको ईश्वर बोलते हैं। तो ईश्वर ब्रह्म इसका एक ही चीज है, नो डिफरेंस इन दैट। ये बहुत ही सिंपल सा छोटा सा एक लाइन का आंसर है। आप ध्यान से देखेंगे तो छोटा बच्चा कभी भी स्वयं अध्ययन नहीं कर सकता, थोड़ा बड़ा बच्चा भी कभी नहीं करता, उसे जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसे कोई कष्ट नहीं है, उसे कोई दुख नहीं है। जब आपका मानसिक या शारीरिक दुख आना शुरू हो जाता है, उसमें सुख की खोज है, फिर आप देखते हैं कि मेरे साथ ये दुख क्या रहा है, भूल जा रहा है, तब आप अपना अध्ययन करना शुरू करते हैं। सिर्फ इसलिए हमें चाहिए क्योंकि हमें सुख चाहिए, और अगर जो सुखी होते हैं उनको स्वयं अध्ययन, उनका अगर शौक है या जिज्ञासा है तो वो करते हैं, जैसे बुद्ध ने किया, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा खेत थे, उसको खेत ही अवधान करते थे, कहते हैं जब उसका खेत चलते थे तो 1000 हल जोता करते थे, और उसको दुख क्यों है, इसका क्या कारण है, कारण का निवारण क्या है और भाव क्या है, इसकी जिज्ञासा है उनसे, तो वो अपने अध्ययन में लग गया। ये दो कारण छोटे छोटे से होते हैं। धन्यवाद। जो परिभाषा दी गई थी इस मनुष्य द्वारा, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ अबाउट अवरसेल्फ एंड द यूनिवर्स, इसी को कंटिन्यू करके आंसर दे रहा हूं। दस रियलाइजिंग दैट वी आर होल, रियलाइजिंग दैट अवरसेल्फ इज होल एंड होल इज कंप्लीट, होल अंतर जिसको बोलते हैं, अपने गहरी सच्चाई को जान के ये रियलाइज करना कि मैं अपने आप पूर्ण औरों से अलग नहीं, जैसा कि रॉय जी ने बात की, एक एकाकार का भाव, वननेस का भाव आ जाना, और उस भाव के आने से हमारे स्वभाव में ईमानदारी, इंसानियत, प्रेम, करुणा, खुशी, आनंद, सबसे बड़ी बात वो आनंद जो कि पूरी दुनिया के सुविधाएं पाने के बाद भी नहीं मिलता, वो आनंद से हमारा भरपूर हो जाना, वो अध्यात्म का फायदा है। और आपने इसमें आपके सवाल का जवाब मिलता है कि उससे समाज के अंदर जो बुराइयां आ गई, राजनीति के अंदर गिरावट आ गई, करप्शन, क्राइम, वो सारी की सारी चीजें इस एक फायदे में हो जाती है कि जब हमारे अंदर पूर्णता आई, तो पूर्णता के साथ साथ पूर्णता आई और इंटीग्रेटेडनेस आई, दूसरों के साथ जुड़ाव आया, मैं और दूसरे फर्क नहीं है, एक ही है, दो चीजें आई, पूर्णता और वननेस, उससे इंसानियत, ईमानदारी, प्रेम, करुणा और खुशी और आनंद हमारा अपना स्वभाव किया, तो अपने आप समाज की सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, हम तो आनंद में रहेंगे, हम तो मतलब सुधरेंगे, सारा समाज भी सुधर जाएगा, ये बहुत फायदा हो सकता है पूरे समाज को अगर सही मायने में स्पिरिचुअलिटी हम अब रियलाइज कर पाए। जैसा कि अभी कहा, स्पिरिचुअलिटी को मैं आध्यात्म में, मैं हिंदी में थोड़ा, आध्यात्म क्यों जरूरी है, एक शब्द
अपने मन की शांति के लिए अपने आप को हमेशा सुपथ मन अच्छे कार्यों की ओर चलाते रहना आध्यात्म। जब व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है, आध्यात्मिक क्या है, उस परमपिता परमात्मा के आदेश का पालन करना आध्यात्मिकता है। प्रभु के आदेशों का पालन, मनुष्यों का नहीं, प्रभु के आदेश का, मेरे शब्द पर ध्यान दें। जब हम प्रभु के आदेशों का पालन करते हैं, जो प्रभु के गुण कर्म स्वभाव है उन्हें अपने अंदर धारण करते हैं, तो हमारा जीवन भी सुखी होता है और हम फिर उससे संस्कार, जैसे आपने कहा था कि बच्चों को क्या, जब हम परमपिता परमात्मा के आदेशों का या किसी भी अच्छी चीज का पालन करते हैं, हमें पता है कि ये कार्य हम उचित कर रहे हैं, उस उचित कार्य को जब हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी देते हैं उसी रूप में, उस आध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं, वो आध्यात्म यदि हमारे नेता लोग भी मानते हैं कि अच्छा कर्म करना आध्यात्म, बस एक परिवार है। आपके किसी भी कार्य से यदि किसी दूसरे को तकलीफ नहीं होती है और आप समाज और राष्ट्र को एक अच्छा व्यक्ति देते हैं, अच्छा संतान देते हैं, हमारे यहाँ कहा है कि आप खुद भी अच्छे बने, मनोभव एवं जन्म मनोभव, और अच्छे मनुष्यों को भी जन्म दे, बस वही आपका आध्यात्म पूरा हो जाता है। आपने खुद को भी अच्छा बनाया, समाज को अच्छा बनाया, राष्ट्र को अच्छा बनाया और अपनी आने वाली संतति को भी आपने संस्कारवान बनाया, तो समझ लीजिए आपका आध्यात्म पूरा हो गया। इसलिए इस वक्त आध्यात्म का अभाव, इनके क्वेश्चन का आंसर यही है, सच्चे आध्यात्म का, सच्चे आध्यात्म का अभाव, आध्यात्म तो सब सच्चा। देखिए हमारा जो प्रश्न है, आप दूसरा प्रश्न, स्पिरिचुअलिटी की जरूरत क्यों, व्हाई, हम सब जी रहे हैं अपनी मौज में, तो जो भी विचार कि अग्रवाल साहब ने और साबिश जी मेरे बहन ने दिए, इन्होंने पीस की बात की और अग्रवाल साहब ने आनंद की बात की कि हम आनंद में रहे, मन में हमेशा शांत स्वभाव पनप जाए सदैव के लिए, इसलिए स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है, मैं इन दोनों की बात से सहमत। तो इस विषय में मैं चार बातें कहके समापन करूंगा। वॉइस द नीड, देयर इज अ नीड फॉर स्पिरिचुअलिटी। पहला, फॉर पासिंग अवर लाइफ इन आनंद स्पिरिचुअलिटी इज नीडेड, जैसे अग्रवाल साहब ने कहा। दूसरा, फॉर कंसिडरिंग, अब मैं बौद्ध धर्म की बात को भी सामने रख के बात कह रहा हूं, फॉर कंसिडरिंग पेन्स एंड प्लेजर्स, जो इन्होंने वेदनाएं लफ्ज पढ़ता, फॉर कंसिडरिंग पेन्स एंड प्लेजर्स ऑन इक्वल फूटिंग, ध्यान दीजिएगा, फॉर कंसिडरिंग पेन्स एंड प्लेजर्स ऑन इक्वल फूटिंग, स्पिरिचुअलिटी इज रिक्वायर्ड, spirituality is required. Third, for overcoming any fear, for overcoming any fear, including fear of death, spirituality is required, is needed. फिर अगली बात कहूंगा, फॉर नोइंग एंड लिविंग इन अल्टीमेट ट्रुथ, स्पिरिचुअलिटी इज रिक्वायर्ड। फिर एक और बात आखिरी में, लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू फिल द गैप, ध्यान देना, जो इस पर चल पड़े, सब कुछ परमात्मा ने दिया है, परिवार, पैसा, शोहरत, इज्जत, सब कुछ, फिर भी अंदर से सूखापन है, वाय, कुछ खाली खाली है, वाय, यस, वेरी द गैप फ्रॉम विदिन, टू फिल द गैप
from within, the spirituality is needed. Thank you. और कुछ और जानने की जरूरत नहीं है. मनुष्य जीवन की प्राप्ति हम अपने अपने हिसाब से उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन सब पुरुषों के महात्माओं के गुरुओं के कथन से अगर हम चलें तो स्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा इस बात को क्लैरिफाई करता है. बड़े बात मानी जन बाबा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा साधन धाम मोक्ष करि द्वारा पाए न जेहि पर लोक सवारा. यदि हमारा वास्तविक लक्ष्य हमने अपने लिए समझ लिया जैसे पहले बात हुई थी तो उसके बाद में हमें उस तरफ बढ़ने के लिए क्या करना है उसका भी सोचना पड़ेगा. और उसके लिए ही हमें गुरु गोविंद जी नानक देव साहब का शब्द है, कही प्राप्त मानुष देह होलिया गोविंद मिलन की एहो तेरी बलिया अब काज तेरे किते न काम मिल साध संगत भज केवल नाम. और कुछ भी हम जो कर रहे हैं वो हमारी उपलब्धि इस दुनिया में वापस छोड़ के चले जाएंगे किसी और के लिए, उसका अच्छा होगा बुरा होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना हम कल्याण करे बगैर अगर जा रहे हैं तो ये हमारे मनुष्य जीवन देने वाले की के प्रति हमारी डिसरिस्पेक्ट मैं कहूँगा होगी. जैसे हम इस महाप्राप्ति की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या रुकावट आती है, जैसे आप शीशे को देखें, शीशे पर धूल जमी हो वो हिल रहा हो तो हमें उसमें अपना चेहरा प्रतिबिंब ठीक से नहीं दिखाई दे सकता. इसी तरीके से जब हमारे अंतःकरण में जिसका मैंने पहले जिक्र किया ये चार चीजों का समूह मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें अपना प्रतिबिंब हम जब तक कलील कर्मों का मल अभिमान का आवरण और संस्कारों की आसक्ति हमें घेरे हुए है तब तक हम इस उपलब्धि की तरफ नहीं चल पाए. अगर मानुष जीवन पाकर भी हम वास्तविक सत्य की तलाश करके उसकी तरफ बढ़े नहीं तो इसका मतलब यही होगा कि हमारे पास नाव तो है, चप्पू भी मार रहे हैं लेकिन नाव को किसी खूंटे से बांध रखे वो चलेगी नहीं. इसलिए हम अपने प्रति जागरूक होकर पहले अपना कल्याण की सोचेंगे, फिर संसार का अपने आप हमारे साथ जो जुड़े होंगे उनका भी कल्याण अपने आप होगा. अपने कल्याण का सोचते हुए अपने कल्याण के मार्ग पर बढ़ने के लिए जो भी हमको अचीव करना है उसके लिए तत्पर रहें. उसके लिए साधनों में बहुत सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में आएंगी उस पर बात करेंगे. ओम ब्रह्म सत्यम.